वेलकम टू माय चैनल। मैं ना फॉर बीकॉम स्टूडेंट्स मैं आज आपके लिए बहुत ही इंटरेस्टिंग वीडियो लेके आई हूँ, जिसके अंदर आज डे 15 के अंदर लास्ट डे के अंदर हम करेंगे एक क्वेश्चन पेपर सॉल्व जो 2022 के अंदर पूछा गया है कॉस्ट अकाउंटिंग पार्ट सेकंड का। कॉस्ट अकाउंटिंग जो है वो सबके अंदर आता है, पास एंड वोकेशनल दोनों के अंदर, बीकॉम पास एंड वोकेशनल दोनों के अंदर ही ये सब्जेक्ट आता है, कंपल्सरी सब्जेक्ट होता है अकाउंटिंग का। कोई भी हम जब भी क्वेश्चन पेपर कोई भी अटेम्प्ट करते हैं बीकॉम के अंदर या किसी भी स्ट्रीम के अंदर, उसके अंदर दो पोर्शंस डिवाइड किए जाते हैं। किस तरीके से वो क्वेश्चन पेपर आता है उसके अंदर क्या होता है कि एक क्वेश्चन, मतलब अगर थ्योरी ज़्यादा है तो थ्योरी के ही आएंगे लगभग क्वेश्चन, बट क्या होता है पोर्शन इस टाइप से होता है कि अगर आपको एक यूनिट से दो क्वेश्चन आ रहे हैं तो एक प्रैक्टिकल एक थ्योरी हमेशा से ही आता है। तो हमने की है थ्योरी, हमने सारी थ्योरी ही पढ़ी है तो हम थ्योरी ही कवर करेंगे इसके अंदर भी। तो आज की वीडियो को हम स्टार्ट करते हैं। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले अगर आप चैनल पर नए हैं तो पहले चैनल को जाकर सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस करें फॉर न्यू अपडेट्स। ये है हमारा क्वेश्चन पेपर, इसके अंदर क्या है अटेम्प्ट 5 क्वेश्चन इन ऑल क्वेश्चन कैन इक्वल मार्क्स, इनमें से हमें कोई भी 5 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं। तो अब हम स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन पेपर को। ये 3 घंटे का क्वेश्चन पेपर है, इसके अंदर 80 मार्क्स का हमें क्वेश्चन अटेम्प्ट करने, 80 मार्क्स के अकॉर्डिंगली अटेम्प्ट कोई भी 5 क्वेश्चन हमें करने हैं जो इक्वल मार्क्स कैरी करेंगे, मतलब कि 16 16 मार्क्स के हर एक क्वेश्चन हमारा। इसके अंदर सबसे पहला जो क्वेश्चन है उसके अंदर क्या होता है, जो हमारी 4 यूनिट होती है उसके अंदर से दो दो क्वेश्चन, जो दो दो नंबर के क्वेश्चन होते हैं वो उठाए जाते हैं, दो दो या तीन तीन क्वेश्चन उठाए जाते हैं और वो फिर जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो बनाया जाता है। इसके अंदर 8 क्वेश्चन होते हैं और इक्वल मार्क्स कैरी करेंगे वो 2 2 मार्क्स, और फिर 16 मार्क्स का जो हमारा पहला क्वेश्चन होता है वो होता है। इसके अंदर सबसे पहले हमारा क्वेश्चन क्या पूछा गया है, व्हाट इज इंटर प्रोसेस प्रॉफिट एंड डिफरेंस बिटवीन जॉब कॉस्टिंग एंड प्रोसेस कॉस्टिंग। इसके बाद व्हाट इज कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग एंड हाउ इज प्लांट सोल्ड एट ए प्रॉफिट एट साइट ट्रीटेड इन कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट। व्हाट इज बस्टिंग, जीरो बेस्ड बस्टिंग क्या होती है, एक्सप्लेन मेक और बाय डिसीजन इन मार्जिनल कॉस्टिंग, व्हाट इज अब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग। ये है क्वेश्चन पेपर हमारा, जिसके अंदर जो फर्स्ट क्वेश्चन है इसके अंदर 8 क्वेश्चन दिए हुए हैं, दो दो मार्क्स के हैं सारे और 16 मार्क्स हमारे कंप्लीट हो गए हैं। इसके बाद यूनिट फर्स्ट स्टार्ट होती है, यूनिट फर्स्ट के अंदर जो पहला क्वेश्चन है वो है प्रैक्टिकल का। जिस भी स्टूडेंट को प्रैक्टिकल अटैम्प्ट करनी होती है तो वो कर सकता है, इसको प्रैक्टिकल अटैम्प्ट कर सकता है। मैं आपको दिखा देती हूँ, मैंने प्रैक्टिकल नहीं करवाई है तो मैं प्रैक्टिकल आपको सॉल्व भी नहीं करवाऊंगी, मैं सिर्फ आपको थ्योरी करवाऊंगी। और थ्योरी से भी ऐसा नहीं कि थ्योरी से काम नहीं चलता है, थ्योरी से आपके बहुत ज़्यादा अच्छे मार्क्स आते हैं, ऐसा नहीं नहीं आते हैं। लेकिन क्या होता है प्रैक्टिकल में, क्या होता है फॉर एग्जाम्पल आपका क्वेश्चन नहीं निकला तो आपके पूरे के पूरे जितना भी आपने उस क्वेश्चन पर टाइम दिया है वो सारा वेस्ट हो जाता है, अगर आपका आंसर सही नहीं आया तो, आपकी बैलेंस शीट मैच नहीं हुई तो। बट थ्योरी में क्या है, फॉर एग्जाम्पल 16 मार्क्स का क्वेश्चन है और मान लीजिए आपने पूरा नहीं लिखा गया आपसे, आपका थोड़ा बहुत रह गया तो भी वो जो टीचर है वो 12 मार्क्स 13 मार्क्स तो फिर भी आपको देगा। इसलिए आपको मतलब थोड़ा सो अगर आपको नहीं आती है प्रैक्टिकल तो आप थ्योरी अटैम्प्ट कर सकते हो और बहुत अच्छे से। इस क्वेश्चन पेपर के अंदर सिर्फ 2 या 3 ही क्वेश्चन ऐसे हैं जो प्रैक्टिकल के हैं, बाकी सारी ही थ्योरी है, तो आप थ्योरी अटैम्प्ट कर सकते हो, ऐसा नहीं है। और सबके ऐसा नहीं, आपको सिर्फ 5 ही क्वेश्चन अटैम्प्ट करने, तो आप कोई भी 5 क्वेश्चन अटैम्प्ट कर सकते हो। इसके बाद थर्ड क्वेश्चन क्या है, एक्सप्लेन द कॉन्सेप्ट ऑफ प्रोसेस कॉस्टिंग एंड इंटर प्रोसेस प्रॉफिट क्या होता है, व्हाट इज एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस ऑफ इंटर प्रोसेस प्रॉफिट ट्रांसफर क्या होता है। इसके बाद है यूनिट सेकंड स्टार्ट होती है, यूनिट सेकंड के अंदर क्या है, व्हाट इज कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग, कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग क्या होती है उसको हम, हाउ कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट इज प्रिपेयर्ड विद स्पेसमेंट ऑफ दीज अकाउंट्स विद इमेजिनरी फिगर, हमें इमेजिनरी फिगर से कॉस्ट जो कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग है वो बनानी है। इसके बाद है द फॉलोइंग डिटेल, ये 5th क्वेश्चन है, ये भी हमारा प्रैक्टिकल का क्वेश्चन है, प्रैक्टिकल का क्वेश्चन है 5th। इसके बाद इसके अंदर क्या है कि मतलब क्वेश्चन पेपर के अंदर सिर्फ 2 ही क्वेश्चन ऐसे हैं जिसके अंदर प्रैक्टिकल है, 2 या 3 एक और होगा शायद, लेकिन मतलब ऐसा नहीं है कि आप घबरा जाते हो कि भाई अकाउंट का पेपर है तो सारी प्रैक्टिकल आएगी सारा कुछ होगा, नहीं ऐसा नहीं होता है, बिल्कुल भी नहीं घबराना चाहिए। जैसे मैंने जब स्टार्टिंग में मेरा जब एग्ज़ाम थे तो मैंने जब क्वेश्चन देखे तो मुझे ये हुआ कि क्या इतना ईजी पेपर आता है, मतलब पहले ही होता था कि भाई कुछ भी पूछ के खड़े हो जाएंगे, कुछ भी क्या पता किस टाइप के क्वेश्चन आते हैं, किस टाइप के पेपर आता है, बट एक मन में डर ऐसा भी बिठा रखा था, मतलब बच्चों ने बाहर वालों ने, कि बैकलॉग बहुत ज़्यादा आती हैं, बहुत ज़्यादा बैकलॉग आती हैं, यूनिवर्सिटी ऐसी होती हैं बैकलॉग बहुत ज़्यादा देती हैं, बट मैंने ये देखा है भाई मेरे 3 साल में बिल्कुल कोई भी बैकलॉग नहीं आई। क्यों नहीं आई मैं ये सोचती थी, मतलब क्यों आती हैं बैकलॉग। अब अगर आप पूरा 80 मार्क्स का क्वेश्चन पेपर अटैम्प्ट करके आएंगे तो आपकी बैकलॉग कैसे आ सकती है, मतलब बच्चे ही बोलते थे कि भाई मैं पूरा क्वेश्चन पेपर अटैम्प्ट करके आई हूँ फिर भी मेरे बैकलॉग आ गई, फिर भी मैं पास नहीं हुई। लेकिन
जब मैंने भाई सारे क्वेश्चन पेपर दिए, सारे क्वेश्चन दिए, लेकिन मेरी एक बार भी बैकलॉग नहीं आई, क्योंकि मैं पूरा 80 मार्क्स का क्वेश्चन पेपर अटेम्प्ट करके आती थी। अब आप अटेम्प्ट ही नहीं करके आओगे, आपने फॉर एग्जांपल आपने अटेम्प्ट ही 50 नंबर का क्वेश्चन पेपर अटेम्प्ट किया, तो वो टीचर कहाँ से मार्क्स देगा आपको? आप पूरा क्वेश्चन पेपर अटेम्प्ट करके आओ, पूरा अगर क्वेश्चन पेपर अटेम्प्ट करते हो तो आपको बैकलॉग आ ही नहीं सकती है। मुझे एक लड़की मिली, वो बोलती है कि एक यूनिवर्सिटी का नाम ले रही थी, बोलती है वो यूनिवर्सिटी बहुत ज़्यादा फ्रॉड है, ऐसी है वैसी है, वो बहुत ज़्यादा बैकलॉग देती है। तो मैंने कहा कौन सी यूनिवर्सिटी थी, तो उसने यूनिवर्सिटी का मुझे नाम बताया। मैंने कहा मैंने भी वहीं से की है, मेरी तो भैया आज तक बैकलॉग नहीं आई। तो उसने कहा नहीं आपके मतलब, और उन्होंने कोरोना टाइम में दिया, तो बोला मैंने जब ऑनलाइन पेपर दिए जब मेरे बैकलॉग नहीं आई, ऑफलाइन दिए तब बैकलॉग आई। तो मैंने देखा मैं ऑनलाइन तो भाई कैसे दिए होंगे, मुझे पता है कैसे दिए होंगे आपने, और ऑफलाइन जब दिए होंगे तो भाई चीटिंग होती नहीं है, तो ऑब्वियस सी बात है बैकलॉग आनी ही आनी थी। तो वो कहती नहीं मैंने पूरा पढ़ रखा था, मैंने पूरा पेपर अटेम्प्ट किया। मैंने कहा नहीं मैं हमेशा पूरा पेपर अटेम्प्ट करके आती थी, मेरे तो आज तक नहीं आई भाई। तो सोचने की बात है, अगर आप पूरा पेपर अटेम्प्ट करते हो तो टीचर का माइंड ऐसा नहीं होता। टीचर थोड़ी ना सिर फिरा है, बोलते हैं कि टीचर है ना नींद में पेपर चेक करते हैं, या मतलब टीचर पागल है। टीचर पागल नहीं होता है भाई, टीचर कोई नींद में पेपर चेक नहीं करता है, टीचर को पता है बच्चे का नुकसान नहीं होना चाहिए, तो वो अच्छे से पेपर चेक करते हैं। ऐसा कभी नहीं होता कि वो अच्छे से पेपर नहीं चेक करते, लेकिन हम मतलब एक मतलब हम अपनी गलती छुपाने के लिए हम दूसरों पे थोपने लग जाते हैं कि हाँ ऐसा हो सकता है, लेकिन हमें खुद को अंदर से तो पता होता है कि तूने कितना पेपर अटेम्प्ट किया है, तुझे कितने मार्क्स आने चाहिए। कई बार ये होता है कि हमारी एक्सपेक्टेशन ज़्यादा हो जाती हैं, लेकिन हमें ये पता होता है अंदर से कि हमारे कितने मतलब। जब मैंने 12th की तो मैंने मम्मी को पूरा जोड़ के ये बता दिया था कि काट पीट के कि मम्मी इतने टीचर हद से अधिक इतने मार्क्स भी काट लेगा तो मेरे इतने मार्क्स डेफिनेटली आएंगे ही आएंगे, क्योंकि मैंने पेपर दिया है। अगर आप पेपर दोगे, आपको पता है आपने इतना राइट किया है, तो आपको डेफिनेटली आप बता दोगे कि मेरे कितने मार्क्स आएंगे। अब आपको पता है अंदर ही अंदर कि आपने तो पेपर कैसा किया है, और आप बहुत बाहर बोल रही हो कि हाँ मैंने मेरा पेपर बहुत अच्छा हुआ है, वो आपको अंदर से तो पता ही है। फिर हम दूसरों पे इल्जाम लगाने लग जाते हैं कि वो गलत है, उसने ऐसा कर दिया वैसा कर दिया, बट ऐसा नहीं करना चाहिए भाई। वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो जाएगी, मैं ज़्यादा ही कुछ ज्ञान देने लग गई, और क्वेश्चन पेपर भी हमें सॉल्व कराना, तो वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो जाएगी। तो हमारी यूनिट 3rd पे आते हैं। यूनिट 3rd के अंदर थ्योरी के क्वेश्चन ही दिए हुए हैं। व्हाट इज बजटिंग, एक्सप्लेन द डिफरेंट टाइप ऑफ बजट। 7th क्वेश्चन है व्हाट इज जीरो बेस बजटिंग, डिस्कस इट्स एडवांटेजेस। ये 8 नंबर का क्वेश्चन है, और 8 नंबर का सेकंड पार्ट दिया हुआ है इसका, व्हाट इज परफॉर्मेंस बजटिंग एंड व्हाट स्टेप्स आर रिक्वायर्ड फॉर दिस सिस्टम। परफॉर्मेंस बजटिंग मैंने आपको फुल सिलेबस रिविजन में भी नहीं करवाया, और पहले भी नहीं करवाया, ये पता नहीं मुझसे कहाँ स्किप हो गया था, और ये सिलेबस में दिया नहीं हुआ था। अगर सिलेबस में दिया होता तो मैं करवा देती, बट इसका एक पूरा चैप्टर है परफॉर्मेंस बजटिंग का। अभी मैं क्वेश्चन जब करवाऊंगी तो मैं आपको सॉल्व करवाऊंगी पूरा अच्छे से। ये मैंने करवाया नहीं था, लेकिन अब मैं करवाऊंगी। कल जो हमने फुल सिलेबस रिवीजन वीडियो करी है उसमें भी नहीं किया है हमने ये। इसके बाद यूनिट 4 है। यूनिट 4 के अंदर क्या है, व्हाट डू अंडरस्टैंड बाय मार्जिनल कॉस्टिंग क्या होती है, एंड स्टेट इट्स यूजलेस एज अ टूल ऑफ कॉर्पोरेट डिसीजन मेकिंग। जो हमारे कॉर्पोरेट डिसीजन मेकिंग है मार्जिनल कॉस्टिंग के अंदर, मैंने आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताए थे पिछले वीडियो के अंदर भी कि ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मार्जिनल कॉस्टिंग इंपॉर्टेंट टॉपिक है। जिसने वो वीडियो देखी है फुल सिलेबस रिवीजन वीडियो, आप खुद बताना आप ये जो क्वेश्चन पेपर है ये इजीली अटेम्प्ट कर सकते हो या नहीं कर सकते हो। मैं तो डेफिनेटली इस पेपर को बहुत ज़्यादा इजीली अटेम्प्ट कर सकती हूँ, क्योंकि अगर आपने वो फुल सिलेबस रिवीजन वीडियो देखी है, फुल सिलेबस किया है आपने मेरे साथ, मतलब हमने 14 दिन में पूरा सिलेबस भी कर लिया, उसको रिवाइज भी कर लिया, और आज हम क्वेश्चन पेपर अटेम्प्ट कर रहे हैं, तो डेफिनेटली आप खुद को देखना, खुद आप पहले आगे की वीडियो मत चलाना, पहले आप खुद इस क्वेश्चन पेपर को सोल्व करके देखना कि आप इस क्वेश्चन पेपर को सोल्व कर सकते हो या नहीं कर सकते। डेफिनेटली मैं इस क्वेश्चन पेपर को पूरा सोल्व कर सकती हूँ। एक परफॉर्मेंस बस्टिंग वाला तो टॉपिक है जो मैंने आपको नहीं करवाया, और ऐसा कोई भी टॉपिक नहीं है जो मैंने आपको नहीं करवाया। आप इस क्वेश्चन पेपर को बहुत ईजिली अटैम्प्ट कर सकते हो, ऐसा नहीं है, आप पूरा इजिली अटैम्प्ट कर सकते हो इस क्वेश्चन पेपर को, और आप इस क्वेश्चन मेरे जो मैंने आपको सिलेबस करवाया उसके अकॉर्डिंग आप बहुत अच्छे मार्क्स स्कोर कर सकते हो। आपने इस क्वेश्चन पेपर को देख के आपको ये बात पता चल गई होगी कि क्वेश्चन पेपर भी ईजी है, और आप हमारा जो सिलेबस है वो भी बहुत ईजी है। 9th क्वेश्चन है वो क्या है, वो प्रैक्टिकल का क्वेश्चन है, तो हम नहीं करेंगे 9th क्वेश्चन तक, हम नहीं जाएंगे, हम सिर्फ 8 ही क्वेश्चन अटैम्प्ट करेंगे, और जो पहले के जो प्रैक्टिकल क्वेश्चन है वो भी हम नहीं करेंगे। तो हम स्टार्ट करते हैं सबसे पहले 1st क्वेश्चन से।
सबसे पहला हमारा क्वेश्चन क्या है, व्हाट इज इंटर प्रोसेस प्रॉफिट। इंटर प्रोसेस प्रॉफिट क्या होता है, इंटर प्रोसेस प्रॉफिट का मतलब क्या होता है। मैंने जो आपको बताया था कि जो हमारी मार्केट प्राइस होता है, हमेशा जो गुड्स का मार्केट प्राइस होता है वो ज्यादा होता है कॉस्ट प्राइस से। जितनी हमारी कॉस्ट लगी है गुड्स के ऊपर, उससे ज्यादा हमारा मार्केट प्राइस होता है। तो वो जो ज्यादा प्राइस जो बीच में बचता है प्रोसेस के अंदर, उस प्रोसेस के अंदर, उसको बोलते हैं इंटर प्रोसेस प्रॉफिट। इंटर प्रोसेस प्रॉफिट क्या होगा, द मार्केट प्राइस ऑफ द गुड्स परस्यूड बीइंग द जनरली हायर देन द कॉस्ट ऑफ प्रोसेस। जो हमारी प्रोसेस है उससे ज्यादा हायर होता है। ईच प्रोसेस अमाउंट विल बी शोन सम प्रॉफिट। हर एक जो प्रोसेस होती है वो शो करती है कुछ प्रॉफिट, उसको बोलते हैं हम इंटर प्रोसेस प्रॉफिट। ये है इंटर प्रोसेस प्रॉफिट। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन क्या होगा हमारा, डिफरेंशिएट बिटवीन जॉब कॉस्टिंग एंड प्रोसेस कॉस्टिंग। जॉब कॉस्टिंग एंड प्रोसेस कॉस्टिंग के बीच में क्या डिफरेंस होगा। जॉब कॉस्टिंग का मतलब क्या होता है, एक स्पेसिफाई चीज़ के लिए होती है, स्पेसिफाई ऑर्डर के ऊपर काम किया जाता है। इसके अंदर यूनिट इज डन एंड स्पेसिफाई एंड वर्क इज डन बाय द स्पेसिफिक ऑर्डर। जो काम है वो स्पेसिफिक ऑर्डर के ऊपर डन किया जाता है। प्रोडक्शन जो प्रोसेस कॉस्टिंग होती है वो उसके अंदर क्या होता है, जो प्रोडक्शन है वो डिवाइड की जाती है सेवरल यूनिट्स के अंदर। जो प्रोसेस है प्रोडक्शन की, जो प्रोसेस है वो कंटिन्यूस चलती रहती है, कंटिन्यू काम करती रहती है। इसके बाद क्या है, वन जॉब इज नॉट रिलेटेड टू और डिपार्टमेंट ऑन ईच अदर। जो एक जॉब है वो ये नहीं कि इंटर रिलेटेड होती है, एक दूसरे से डिपेंडेंट होती है, ऐसा नहीं है। इसके अंदर क्या है, द स्कीडिंग प्रोसेस इज डिपेंडेंट ऑन द प्रोस्कीडिंग वन। जो पहले की प्रोसेस है वो एक दूसरे पे डिपेंड होती है। प्रोसेस तो क्या होता है, वो काम जैसे प्रोसेस होती है वो एक दूसरे पे डिपेंड होती है। पहले वो प्रोसेस होगी, उसके बाद वो होगी, उसके बाद वो होगी, तो वो एक दूसरे के ऊपर डिपेंड होती है। इसके बाद थर्ड पॉइंट क्या है हमारा, द कॉस्ट ऑफ अ जॉब इज नॉट ट्रांसफर टू अदर। जो कॉस्ट है जॉब की वो ट्रांसफर नहीं कर सकते हम दूसरों की तरफ। एंड द कॉस्ट ऑफ प्रोसेस इज ट्रांसफर टू द नेक्स्ट प्रोसेस। जो कॉस्ट है प्रोसेस की वो हम नेक्स्ट प्रोसेस तक ट्रांसफर कर सकते हैं। इसके अंदर हम तीन पॉइंट इनफ है, क्योंकि दो ही मार्क्स का क्वेश्चन है, हम ज़्यादा नहीं लिखेंगे इसके अंदर। वैसे तो मैंने आपको पांच पॉइंट लिखवा रखे हैं, लेकिन इसके अंदर तीन पॉइंट इनफ है, ज़्यादा ज़रूरी नहीं है ज़्यादा करना, क्योंकि दो ही मार्क्स का क्वेश्चन है, दो नंबर के क्वेश्चन में तीन पॉइंट्स इनफ होते हैं। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है, व्हाट इज कॉन्टेक्ट कॉस्टिंग। कॉन्टेक्ट कॉस्टिंग क्या होती है, कॉन्टेक्ट कॉस्टिंग इज अ पार्ट ऑफ स्पेसिफिक ऑर्डर कॉस्टिंग मेथड वे वर्क इज परफॉर्म्ड एज पर रिक्वायरमेंट ऑफ स्पेसिफिकेशन ऑफ कस्टमर और कॉन्टेक्टी। कॉन्टेक्ट कॉस्टिंग का मतलब क्या होता है कि एक पार्ट होता है स्पेसिफिक ऑर्डर का कॉस्टिंग का मेथड वे वर्क इज परफॉर्म्ड एज अ पर रिक्वायरमेंट ऑफ स्पेसिफिकेशन ऑफ द कस्टमर। इसके अंदर एक कॉन्ट्रैक्ट दिया जाता है जो किसके अकॉर्डिंग परफॉर्म किया जाता है, जो स्पेसिफिक ऑर्डर कस्टमर ने दिया है, जो कस्टमर है, जो कॉन्ट्रैक्टी है, जिसने ऑर्डर दिया है उसकी ऑर्डर के अकॉर्डिंग आप काम को परफॉर्म करोगे, वो होता है कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग। इन फैक्ट कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग इज द मेथड ऑफ कॉस्टिंग विच अप्लाइड इन द दोज ऑर्गेनाइजेशन वेयर वेरियस कॉन्ट्रैक्ट ऑफ नॉन रिस्पेक्टिव नेचर इज टेकन। जो बहुत से नॉन रिस्पेक्टिव नेचर के अंदर जो कॉन्ट्रैक्ट होते हैं वो भी इसके अंदर लिए जाते हैं। इसके बाद नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन क्या है, हाउ इज प्लांट सोल्ड एट ए प्रॉफिट एट ए साइट ट्रीटेड इन कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट। प्रॉफिट पे प्लांट आपने सोल्ड किया एट ए प्रॉफिट एट ए साइट, उसी साइट के ऊपर ट्रीटेड एज कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट, उसको आप किस तरीके से ट्रीट करोगे। ये क्वेश्चन प्रैक्टिकल का है, प्रैक्टिकल के अंदर से था, लेकिन फिर भी मैं आपको बता देती हूँ। जब हम प्लांट को सोल्ड करते हैं एट ए प्रॉफिट एट ए साइट ट्रीटेड एज इन कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट, किस तरीके से हम उसको ट्रीट करेंगे, जो प्लांट हमने सोल्ड किया प्रॉफिट के ऊपर, तो उसको हम डेबिट साइड में लेके आएंगे कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट के अंदर। कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट के अंदर हम इसको डेबिट साइड में लिखेंगे। हम ये लिख सकते हैं कि प्लांट जब हम सोल्ड करेंगे प्रॉफिट के अंदर एट ए साइट, तो हम उसको डेबिट साइड में लिखेंगे। इसके बाद अब व्हाट इज बजटिंग। बजटिंग क्या होता है, बजटिंग का मतलब क्या होगा, बजट इज एस्टिमेट ऑफ फिगर। बजटिंग क्या होती है, एस्टिमेट होता है फिगर्स का, नीड अरेंज अकॉर्डिंग टू द ऑर्डिनरी बेसिस कवरिंग सेम एज वेल एक्टिविटीज ऑफ एन एंटरप्राइजेस फॉर द डिफाइंड पीरियड ऑफ टाइम। बजटिंग एक एस्टिमेट होता है, बजट एक एस्टिमेट होता है, एस्टिमेटेड फिगर होते हैं जो हमारी नीड्स को सेटिस्फाई करने के लिए, जो फ्यूचर नीड्स हैं उनको सेटिस्फाई करने के लिए हम बजट फिक्स करके रखते हैं और उन एक्टिविटीज़ को परफॉर्म करने के लिए। इसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या होगा, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा जीरो बेस्ड बजटिंग। जीरो बेस्ड बजटिंग क्या होती है, जीरो बेस्ड बजटिंग या जीरो बेस्ड बजटिंग, इसके अंदर क्या होता है, जीरो बेस्ड बजटिंग कैन बी डिफाइंड एज अ मेथड ऑफ बजटिंग वेयर ऑल एक्टिविटीज आर रीवैल्यूड ईच टाइम। इसके अंदर हर एक जो एक्टिविटी होती है उनको रीवैल्यू किया जाता है, मतलब कि ये नहीं बोलते रिनोवेशन, एक चीज़ का रिनोवेशन, आप घर का रिनोवेशन करवाते हो, आपके होम का, आपके जो कोई भी कमरा है उसका रिनोवेशन करवाते हो, रूम का रिनोवेशन करवाते हो, तो इसके अंदर क्या होता है बजटिंग, मतलब हर एक चीज़ को जीरो से स्टार्ट करना, रीवैल्यूड करना उस चीज़ को, एंड सेट एंड डिस्कार्ड लेवल ऑफ ईच एक्टिविटी आर वैल्यूड एंड द
अ कम्बिनेशन चूजन टू मैच फंड्स अवेलेबल, और एक कम्बिनेशन करेंगे जिससे हमारा जो भी मैच फंड है जितना अवेलेबल है उसके अंदर हम कम्बिनेशन करेंगे। इसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या होगा, क्वेश्चन हमारा क्या है भाई, एक्सप्लेन मेक और बाय डिसीजन इन मार्जिनल कॉस्टिंग। ये भी मैंने आपको नहीं करवाया, ये टॉपिक भी मेक एंड बाय डिसीजन वाला भी, बट ये मैंने अभी ही लिखा था कि भाई मैंने नहीं करवाया, रह गया था मुझसे। मैंने आपको पहले ही बोला था अगर मुझसे और भी कोई टॉपिक रह गया तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हो, मेरे अकॉर्डिंग तो अब तो सारे हो गए हैं। मेक और बाय डिसीजन इज द प्रॉब्लम इन रिस्पेक्ट ऑफ ईच मैनेजमेंट हैज़ टू टेक डिसीजन कंटिन्यूसली इन दिस कॉन्सेप्ट द मैनेजमेंट हैज़ टू डिसाइड वट वेयर अ सर्टेन प्रोडक्ट और अ कंपोनेंट शुड बी मेड इन द फैक्ट्रीज इट सेल्फ अबाउट फ्रॉम द आउटसाइड सप्लायर। मतलब इसके अंदर क्या होता है, मैनेजमेंट डिसाइड करती है जो भी प्रोडक्ट है वो जो हमारा प्रोडक्ट है कंपोनेंट है वो हम फैक्ट्री के अंदर बनाएंगे इट सेल्फ, खुद बनाएंगे बोर्ड करेंगे या फिर आउटसाइड कोई सप्लायर से लेके आएंगे उसके अंदर मेक, मतलब इसके अंदर क्या है, हम बनाएंगे या बाय करेंगे उस चीज़ का डिसीजन लेते हैं, हम खुद बनाएंगे फैक्ट्री के अंदर खुद मैन्युफैक्चर करेंगे या हम बाहर से बाय करेंगे किसी भी सप्लायर से खरीदेंगे उस चीज़ का डिसीजन लेने को बोलते हैं मेक और बाय डिसीजन इन मार्जिनल कॉस्टिंग। इसके बाद नेक्स्ट एंड लास्ट क्वेश्चन हमारा क्या है, क्वेश्चन फर्स्ट के अंदर व्हाट इज अब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग, अब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग क्या होती है। अब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग इज अ कन्वेंशनल टेक्निक ऑफ असर्टेनिंग कॉस्ट एंड प्रॉफिट। कॉस्ट और प्रॉफिट को असर्टेन करने के लिए अब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग यूज की जाती है। इट इज़ अ प्रैक्टिस अंडर द ऑल कॉस्ट वेयर फिक्स्ड एंड वेरिएबल्स और चार्ज ऑफर टू ऑपरेशंस प्रोसेस और प्रोडक्शन। मतलब इसके अंदर क्या होता है, जो सारी हमारी प्रैक्टिसेस हैं अंडर ऑल द कॉस्ट वेयर फिक्स्ड एंड वेरिएबल्स और चार्ज, जो हम चार्ज करते हैं ऑपरेशन के अंदर प्रोसेस के अंदर और प्रोडक्शन के अंदर, वो सारी चीज़ें उनको निकालने के लिए असर्टेन करने के लिए जो अब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग है वो यूज़ की जाती है। के बाद सेकंड क्वेश्चन हमने देखा था कि हमारा प्रैक्टिकल का है, थर्ड क्वेश्चन हमारा क्या है, एक्सप्लेन द कॉन्सेप्ट ऑफ प्रोसेस कॉस्टिंग एंड इंटर प्रोसेस प्रॉफिट, व्हाट इज एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस ऑफ इंटर प्रोसेस प्रॉफिट ट्रांसफर। ये हमारा 16 मार्क्स का क्वेश्चन है तो इसके अंदर हमें ज़्यादा लिखना पड़ेगा, मतलब लिखा तो हमने उसके अंदर भी मतलब ज़्यादा ही किया है क्योंकि वो 2-2 मार्क्स के अंदर डिवाइड किए हुए हैं। सबसे पहले प्रोसेस कॉस्टिंग क्या होती है, प्रोसेस कॉस्टिंग एक ऐसा मेथड होता है जिसके अंदर इंडस्ट्री के अंदर हम कोई भी चीज़ मटेरियल बनाते हैं तो दो या दो से ज़्यादा प्रोसेस से होके वो कन्वर्ट होता है किसमें, फिनिश्ड प्रोडक्ट के अंदर, उस प्रोसेस को बोलते हैं प्रोसेस कॉस्टिंग। प्रोसेस कॉस्टिंग इज अ मेथड ऑफ कॉस्टिंग अप्लाइड टू इंडस्ट्री वेयर द मटेरियल हैज़ टू पास थ्रू टू और मोर प्रोसेस फॉर बींग कन्वर्टेड इंटू अ फिनिश्ड प्रोडक्ट। ईच प्रोसेस इज ट्रीटेड एज अ कॉस्ट सेंटर, हर एक प्रोसेस को हम कॉस्ट सेंटर के अकॉर्डिंगली ट्रीट करेंगे। इसके बाद इसने पूछा इंटर प्रोसेस प्रॉफिट क्या होता है, तो मैंने आपको पहले बताया इंटर प्रोसेस प्रॉफिट वो होता है जो हमारी मार्केट प्राइस होता है गुड्स का, वो जनरली हाइयर होता है जो हमारी कॉस्ट ऑफ प्रोसेस के अंदर लगा है, तो वो जो प्रोसेस जो वो प्रॉफिट शो होता है उस प्रॉफिट को बोलेंगे हम इंटर प्रोसेस प्रॉफिट। इसके बाद इसके एडवांटेजेस क्या होंगे इंटर प्रोसेस प्रॉफिट की, नॉलेज ऑफ एफिशिएंसी ऑफ ईच प्रोसेस, हमें हर एक प्रोसेस की के अंदर कितनी एफिशिएंसी है उसके बारे में नॉलेज मिलेगी, कंपेयर कर सकते हैं हम स्टडी ऑफ डिफरेंट प्रोसेस, कंपेरेटिव स्टडी होती है डिफरेंट प्रोसेस के अंदर हम उसको कंपेयर कर सकते हैं। इसके बाद हमें नॉलेज मिलेगी प्रॉफिटेबिलिटी ऑफ ईच प्रोसेस, कितनी प्रॉफिट हो रहा है हमें, कितना प्रॉफिटेबिलिटी हो सकती है हर एक प्रोसेस के अंदर उसके बारे में सारी नॉलेज हमें मिलेगी, हमारी जो एक्चुअल कॉस्ट है वो सिक्योर रहेगी, मतलब जितनी हमें कॉस्ट लगाई वो तो बची जाएगी हमारी, ऐसा तो नहीं है, वो सिक्योर रहेगी, जो उससे हमें पता चल जाएगा कि अगर हमें इंटर प्रोसेस प्रॉफिट हो रहा है तो हमारी एक्चुअल कॉस्ट जो है वो सिक्योर है। इसके बाद हम डिसीजन ले सकते हैं कि हमें परचेज करना है या मैन्युफैक्चरिंग करना है, परचेजिंग करनी है मैन्युफैक्चरिंग करनी है, या मतलब हम वही बात है मेकअप करें या मेक करें या बाय करें, मेक करनी है या हमें बाय करनी है, परचेजिंग करनी है मैन्युफैक्चरिंग करनी है, उसका डिसीजन भी हम इसके थ्रू ले सकते हैं। इसके बाद इसकी लिमिटेशंस क्या होंगी इंटर प्रोसेस प्रॉफिट की, इमेजिनरी प्रॉफिट होता है ये, ज़रूरी नहीं हम इमेजिन कर लेते हैं कि हमें इतना प्रॉफिट होगा लेकिन ज़रूरी नहीं इतना प्रॉफिट हमें हो, तो वो इमेजिनरी प्रॉफिट होता है, एक्चुअल प्रॉफिट नहीं होता है। इसके बाद अनरियलाइज्ड प्रॉफिट होता है ये, इसके अंदर क्या है, इफ़ देर आर ओपनिंग एंड क्लोजिंग स्टॉक इन डिफरेंट प्रोसेस द वैल्यूएशन विल इंक्लूडिंग अनरियलाइज्ड प्रॉफिट एंड एक्चुअल प्रॉफिट विल नॉट बी नोन एज अनलेस एडजस्टमेंट आर मेड इन द अनरियलाइज्ड प्रॉफिट। मतलब हम जो एडजस्टमेंट होती है वो अनरियलाइज्ड प्रॉफिट के थ्रू कर देते हैं बट वो एक्चुअल प्रॉफिट नहीं होता है। पॉइंट हमारा क्या है, लैक ऑफ ट्रू फाइनेंशियल पोजीशन, हमें जो सही फाइनेंशियल पोजीशन होती है वो नहीं पता चलती है क्योंकि हम अनरियलाइज्ड प्रॉफिट के अकॉर्डिंग हम हमारी बैलेंस शीट बना लेते हैं प्रॉफिट एंड लॉस, हमें ये नहीं पता चलता है कि एक्चुअल प्रॉफिट हमारा क्या है। अंडर दिस सिचुएशन बैलेंस शीट डज नॉट
डिफेक्ट द ट्रू फाइनेंशियल पोजिशन बिकॉज द डिजोल्व प्रॉफिट कंटेन्स द पार्ट ऑफ प्रॉफिट इंक्लूडिंग द वैल्यू ऑफ क्लोजिंग स्टॉक इन ईच प्रोसेस एंड द फिनिश्ड गुड स्टॉक एट द एंड ऑफ द अकाउंटिंग पीरियड। इसके अंदर क्या हमें जो हमारी ट्रू फाइनेंशियल पोजिशन है वो नहीं पता चलती है। इसके अंदर क्या होता है कि मतलब जो हमने प्रॉफिट डिजोल्व किया है, जो हमने दिखाया वो डिफेक्ट में, वो जरूरी नहीं इंटर प्रोसेस प्रॉफिट हमें इतना प्रॉफिट होगा या नहीं होगा, तो वो डिफेक्ट के अंदर है, तो इस वजह से हमारी जो ट्रू फाइनेंशियल पोजिशन है वो नहीं पता चलती है। इसके बाद यूनिट सेकंड के अंदर हमारा फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, व्हाट इज कॉन्टैक्ट कॉस्टिंग एंड हाउ कॉन्टैक्ट अकाउंट इज प्रिपेयर्ड विद द स्पेसमेंट ऑफ द इस अकाउंट विद इमेजिनरी फिगर। इमेजिनरी फिगर आप खुद ले आना, मैं आपको सिर्फ ये बता दूंगी कि प्रिपरेशन कैसे करते हैं कॉन्टैक्ट अकाउंट की। कोई भी फिगर्स आप उसके अंदर डाल सकते हैं, सिर्फ आपको क्या करना पड़ेगा कि मैंने जैसे मैं आपको बताऊंगी कि उसके डेबिट साइड के अंदर कौन से आइटम आएंगे, क्रेडिट साइड के अंदर कौन से आइटम आएंगे, आप कोई भी इमेजिनरी फिगर बना सकते हो अपने अकॉर्डिंगली। इसके अंदर क्या है, कॉन्टैक्ट कॉस्टिंग क्या होती है, कॉन्टैक्ट कॉस्टिंग एक पार्ट होता है स्पेसिफिक ऑर्डर का कॉस्टिंग एंड मेथड वे वर्क इज परफॉर्म्ड एज पर रिक्वायरमेंट ऑफ ऑल स्पेसिफिकेशन ऑफ द कस्टमर, और जो हमारा कॉन्टैक्टी है उसकी रिक्वायरमेंट्स के अकॉर्डिंग काम किया जाता है। एक कॉन्टैक्ट दिया जाता है जो कस्टमर्स की रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग फुलफिल किया जाता है एट अ साइट, किसी एक साइट के ऊपर। सेकंड के अंदर हमारा फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, व्हाट इज कॉन्टैक्ट कॉस्टिंग एंड हाउ कॉन्टैक्ट अकाउंट इज प्रिपेयर्ड विद द स्पेसमेंट ऑफ द इस अकाउंट विद इमेजिनरी फिगर। इमेजिनरी फिगर आप खुद ले आना, मैं आपको सिर्फ ये बता दूंगी कि प्रिपरेशन कैसे करते हैं कॉन्टैक्ट अकाउंट की। कोई भी फिगर्स आप उसके अंदर डाल सकते हैं, सिर्फ आपको क्या करना पड़ेगा कि मैंने जैसे मैं आपको बताऊंगी कि उसके डेबिट साइड के अंदर कौन से आइटम आएंगे, क्रेडिट साइड के अंदर कौन से आइटम आएंगे, आप कोई भी इमेजिनरी फिगर बना सकते हो अपने अकॉर्डिंगली। इसके अंदर क्या है, कॉन्टैक्ट कॉस्टिंग क्या होती है, कॉन्टैक्ट कॉस्टिंग एक पार्ट होता है स्पेसिफिक ऑर्डर का कॉस्टिंग एंड मेथड वे वर्क इज परफॉर्म्ड एज पर रिक्वायरमेंट ऑफ ऑल स्पेसिफिकेशन ऑफ द कस्टमर, और जो हमारा कॉन्टैक्टी है उसकी रिक्वायरमेंट्स के अकॉर्डिंग काम किया जाता है। एक कॉन्टैक्ट दिया जाता है जो कस्टमर्स की रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग फुलफिल किया जाता है एट अ साइट, किसी एक साइट के ऊपर। डेबिट साइड के अंदर कौन से आइटम आएंगे, जब हम कॉन्टैक्ट अकाउंट को बनाएंगे तो सबसे पहले हम लिखेंगे डायरेक्ट मटेरियल, कोई भी आप फिगर्स ले सकते हैं उसके अंदर, जो इश्यू कर जाएगा बाय इशू फ्रॉम स्टोर रूम, या फिर जो डायरेक्टली जो इशू किए जाते हैं वो जो मटेरियल होते हैं, बाय डायरेक्ट परचेज फ्रॉम द मार्केट, ऑल सच मार्केट मटेरियल सच विच आर नॉट अवेलेबल विद द शॉपकीपर बट आर रिक्वायर्ड फॉर द कॉन्टैक्ट एंड परचेज डायरेक्टली फ्रॉम द मार्केट बाय ट्रांसफर फ्रॉम द मार्केट एंड मटेरियल सप्लाई बाय द कॉन्टैक्टी, जो कॉन्टैक्टी ने मटेरियल उसके पास अवेलेबल था वो उसने सप्लाई कर दिया। के बाद डायरेक्ट लेबर उसके अंदर आएंगे, जनरली द कॉस्ट ऑफ लेबर वर्किंग एट द स्पेसिफिक कॉन्टैक्ट इज डायरेक्ट चार्ज टू द कॉन्टैक्ट अकाउंट, वो डायरेक्टली चार्ज किए जाएंगे कॉन्टैक्ट अकाउंट के अंदर। डायरेक्ट एक्सपेंसेस जो इनकर्ड होते हैं वो भी उसी के अंदर चार्ज किए जाएंगे डायरेक्ट, और इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस जो होते हैं जैसे कि फॉर एग्जांपल सैलरी ऑफ मैनेजर, आर्किटेक्ट को जो हमने सैलरी दी है, सुपरवाइजर को, इंजीनियर को, स्टोर एक्सपेंसेस हैं इंक्लूडिंग सैलरी और स्टोरकीपर, एडमिनिस्ट्रेशन एंड ऑफिस एक्सपेंसेस सच एज सैलरी, ऑफिस स्टाफ, स्टेशनरी, टेलीफोन, पोस्टेज, रेंट ऑफ ऑफिस बिल्डिंग, इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस, ये सारे जो हैं इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस होते हैं, ये भी हम इनको डेबिट साइड के अंदर लिखेंगे। द प्लांट एंड मशीनरी द नेचर ऑफ कॉन्टैक्ट बींग डिफरेंस द कॉन्ट्रैक्टर हैज़ टू अक्वायर वेरियस टाइप ऑफ प्लांट एंड मशीनरी इक्विपमेंट्स एंड टूल्स, जो भी वेरियस टाइप के प्लांट एंड मशीनरी इक्विपमेंट्स होते हैं वो सारे डेबिट साइड के अंदर आएंगे। सब कॉन्टैक्ट कॉस्ट भी डेबिट साइड के अंदर आएगी। या कॉन्टैक्ट मे बी नॉट बी एक्सपायर इन ऑल द ट्रेड्स और फंक्शंस एंड रिक्वायर्ड एक्सक्यूट हिज प्रोजेक्ट्स सो ही मे अपॉइंट सब कॉन्ट्रैक्टर्स टू बी अ स्पेसिफाइड जॉब, मतलब एक स्पेसिफाइड जॉब के लिए जो हम सब कॉन्ट्रैक्ट बनाते हैं, जैसे कि फॉर एग्जाम्पल ऐसा नहीं होता कि एक ही बंदा हर चीज़ संभाल लेगा, तो हम क्या करते हैं सब कॉन्ट्रैक्टर लेके आते हैं कि भाई आप अगर थोड़ी बहुत गलती हो जाती है, जैसे असिस्टेंट जो हम रख लेते हैं कि भाई अगर थोड़ी बहुत मिस्टेक हो जाती है, हम किसी चीज़ को भूल जाते हैं क्योंकि इंसान गलतियों का पुतला होता है, अगर हम किसी चीज़ की के अंदर गलती कर देते हैं, किसी चीज़ को भूल जाते हैं, तो वो जो सब कॉन्ट्रैक्टर है वो उस चीज़ को ठीक कर दे, तो वो जो होता है उसकी जो कॉस्ट होती है एक्स्ट्रा वर्क जो आपने किया, एक्स्ट्रा वर्क डन, वो जो सारी चीज़ें वो डेबिट साइड के अंदर आएंगी। उसके बाद क्रेडिट साइड के अंदर कौन से आइटम लिखेंगे आप कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट के अंदर, जो भी मटेरियल होता है, जो सारा मटेरियल जो होता है वो मटेरियल हम क्रेडिट साइड के अंदर लिखेंगे, जो मटेरियल रिटर्न आया सप्लायर ने रिटर्न दिया है, जो मटेरियल रिटर्न आया स्टोर से, जो ट्रांसफर किया गया है मटेरियल जो एंड में आया एट द एंड एंड सेल ऑफ मटेरियल, जो मटेरियल हमने सेल कर दिया है, एंड मटेरियल बीइंग लॉस्ट और डिस्ट्रॉयड, जो मटेरियल गुम गया है, लॉस हो गया या फिर वो खत्म हो गया, डिस्ट्रॉय हो गया है, वो सारे मटेरियल हमारे क्रेडिट साइड के अंदर आएंगे कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट के अंदर। इसके अंदर आप कोई भी मेजरी फिगर बना के आप ड्रॉ कर सकते हो इजी है बहुत ज्यादा। मैंने ड्रॉ नहीं किया क्योंकि मेरे पास इतना ज़्यादा टाइम नहीं था, मुझे और भी चीज़ें काम करने थे, तो लेकिन मैंने आपको बता दिया कौन से आइटम कहाँ कहाँ आएंगे डेबिट क्रेडिट साइड, आप उसके अंदर कोई भी इमेजिनरी फिगर लेके आप ड्रॉ कर सकते हो।
इसके बाद हम स्टार्ट करेंगे यूनिट थर्ड, क्योंकि यूनिट सेकंड कंप्लीट हो गई है। जो फिफ्थ क्वेश्चन था वो भी हमारा प्रैक्टिकल था, मैंने आपको पहले ही बता दिया था। तो अब हम यूनिट थर्ड स्टार्ट करते हैं। इसके अंदर दोनों ही क्वेश्चन थ्योरी के दिए हुए हैं। सबसे पहले हमारा क्वेश्चन क्या है, व्हाट इज बजटिंग, बजटिंग क्या होता है, और एक्सप्लेन द डिफरेंट टाइप ऑफ बजट, बजट के कितने डिफरेंट जो टाइप होते हैं वो। मैंने आपको पहले ही बताया था कि इंपॉर्टेंट टॉपिक है, क्योंकि इस क्वेश्चन पेपर के अंदर पूछा गया है। सबसे पहले बजटिंग होता क्या है, बजट इज एस्टिमेट। बजटिंग क्या होती है, एक एस्टिमेट होता है, एस्टिमेट फिगर होता है, नीड अरेंज टू अकॉर्डिंग टू द ऑर्डनरी बेसिस, कवरिंग सेम और ऑल एक्टिविटी ऑफ इंटरप्राइजेस फॉर बींग पीरियड ऑफ टाइम। इसके अंदर हम एस्टिमेट लगाते हैं कि आगे हमारे क्या होगा, उसके अकॉर्डिंग हम अपना बजट फिक्स करते हैं अपनी नीड्स के अकॉर्डिंग, अपनी नीड्स को सेटिस्फाई करने के लिए। इसके बाद टाइप्स ऑफ बजट या फिर क्लासिफिकेशन ऑफ बजट हम किस तरीके से करेंगे, टाइप्स ऑफ बजट, ये 16 मार्क्स का क्वेश्चन है हमारा। तो इसके अंदर क्या है, डिफरेंट टाइप ऑफ बजट कौन कौन से हैं। सबसे पहले ऑन द बेसिस ऑफ पीरियड, ये तीन टाइप से हम इसको क्लासिफाई करेंगे, ऑन द बेसिस ऑफ पीरियड, ऑन द बेसिस ऑफ फ्लेक्सिबिलिटी एंड ऑन द बेसिस ऑफ फंक्शन। इसके बाद है सबसे पहले ऑन द बेसिस ऑफ पीरियड, पीरियड के अंदर हम इसको तीन टाइप से क्लासिफाई करेंगे। सबसे पहले लॉन्ग टर्म, शॉर्ट टर्म एंड करंट। लॉन्ग टर्म बजट के अंदर क्या आएगा, हम लंबे समय तक कोई भी प्लानिंग करेंगे। लंबे समय तक मतलब कितनी, 5 साल से लेकर 10 साल तक, मतलब 5 ईयर प्लान, 10 ईयर प्लान, हम इस टाइप से अपने जो बजट है वो फिक्स करेंगे। शॉर्ट टर्म के अंदर क्या आएगा, 1 ईयर से लेके 5 साल तक हम अपना जो बजट है वो फिक्स करेंगे, 1 ईयर टू 5 ईयर्स। एंड करंट बजट क्या होता है, करंट बजट होता है 12 मंथ्स के लिए या 12 मंथ्स के लिए या 30 डेज के लिए, इतना ही 1 मंथ के लिए, इतना ही जो बजट होता है वो होता है करंट बजट, जो हम करंटली अपने मतलब करंटली बनाते हैं 1 महीने के लिए या 12 दिन के लिए या 15 दिन के लिए, हमने जो अपना बजट होता है वो फिक्स कर दिया। उसके बाद फ्लेक्सिबल बजट के अंदर क्या आएगा, इसके अंदर क्या होता है, सबसे पहले इसको भी हम दो टाइप से डिवाइड करेंगे, फिक्स्ड एंड फ्लेक्सिबल। सबसे पहले फिक्स्ड बजट, फिक्स्ड बजट इज ऑल्सो नोन एज स्टैटिक बजट, हम इसको स्टैटिक बजट भी बोल सकते हैं। ये जो है वो हर एक लेवल पे सेम रहेगा, फिक्स्ड रहेगा हर एक लेवल के ऊपर, और जो फ्लेक्सिबल बजट होगा वो अलग अलग लेवल के ऊपर चेंज होता रहेगा, वेरिएबल होता है ये जो बजट होता है। फ्लेक्सिबल बजट इज दैट बजट विच प्रेजेंट कॉस्ट, रेवेन्यू एंड प्रॉफिट एट अ वेरिएबल लेवल ऑफ बिजनेस एक्टिविटी, वेरियस वॉल्यूम्स ऑफ आउटपुट एंड सेल, मतलब इसके अंदर चेंज होते रहते हैं बजट जो है वो हमारा। इसके बाद ऑन द बेसिस ऑफ फंक्शन, फंक्शंस के अकॉर्डिंग क्या होगा, दो टाइप से इसको क्लासिफाई किया गया है। सबसे पहले हमारा क्या है, मास्टर बजट। मास्टर बजट के अंदर क्या है, मास्टर बजट इज अ डिपेक्ट द पिक्चर ऑफ टोटल प्लान ड्यूरिंग द बजट पीरियड एंड इट कवर्स इन्फॉर्मेशन रिलेटिंग टू प्रोडक्शन कॉस्ट सेल्स एंड प्रॉफिट। मास्टर बजट के अंदर जो भी इन्फॉर्मेशन होती है प्रोडक्शन से रिलेटेड, कॉस्ट से रिलेटेड एंड सेल्स एंड प्रॉफिट से रिलेटेड, ये सारी जो है उसके अकॉर्डिंगली प्लान करता है, टोटल प्लान बनाता है। इसके बाद फंक्शनल बजट, फंक्शनल बजट के अंदर क्या है, डिपार्टमेंटल बजट होता है, डिपार्टमेंट के अकॉर्डिंग अपना जो बजट है वो सेट करता है। सब्सिडरी बजट, ऑल द बजट्स आर प्लेस्ड इन द कैटेगरी विच आर प्रिपेयर फर्दर ऑन द बेसिस ऑफ फंक्शंस एंड डिपार्टमेंट, मतलब ये जो सारा बजट है वो फंक्शंस एंड डिपार्टमेंट के अकॉर्डिंग सेट करता है। इसके अंदर अलग अलग डिपार्टमेंट हैं, जैसे सबसे पहले फंक्शनल के अंदर ऑपरेटिंग बजट एंड फाइनेंशियल बजट। ऑपरेटिंग बजट के अंदर कौन से आएंगे, सेल्स बजट, प्रोडक्शन बजट एंड कॉस्ट बजट। फाइनेंशियल बजट के अंदर कौन से आएंगे, कैश बजट एंड कैपिटल एक्सपेंडिचर बजट। इसके बाद कॉस्ट बजट के अंदर क्या आएगा, कॉस्ट बजट के अंदर हमारा है कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ बजट, एडमिनिस्ट्रेशन कॉस्ट बजट, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन कॉस्ट बजट एंड R&D बजट एंड अदर एक्सपेंडिचर बजट, ये सारे हमारे इसके अंदर आएंगे। उसके बाद कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन बजट के अंदर कौन सा आएगा, डायरेक्ट मटेरियल बजट, डायरेक्ट लेबर बजट, मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंसिव बजट एंड प्लान यूटिलाइजेशन बजट, ये सारे इसके अंदर आएंगे। इसके बाद है नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, जीरो बेस बजटिंग क्या होती है, उसके एडवांटेजेस क्या होती हैं। सबसे पहले जीरो बेस बजटिंग होता क्या है, जीरो बेस बजटिंग मैंने आपको पहले ही बताया था कि जिसके अंदर हम रीवैल्यू करते हैं अमाउंट ईच टाइम, मतलब हर एक जो चीज़ है उसकी वैल्यू रीवैल्यूड कर रहे हैं। जीरो बेस बजटिंग कैन बी डिवाइडेड बाय एज अ मेथड ऑफ बजटिंग वेयर ऑल एक्टिविटी आर रीवैल्यूड ईच टाइम ऑफ बजट इज सेट। जब भी हम बजट सेट करते हैं तो हर एक जो भी एक्टिविटी होती है उनकी वैल्यू जो होती है वो रीवैल्यूड करते हैं, चेंज करते हैं, रिनोवेट करते हैं। उसके बाद एडवांटेजेस क्या होंगे जीरो बेस बजटिंग की, नॉलेज ऑफ वेस्टफुल एक्सपेंडिचर, हमें जो भी वेस्टफुल एक्सपेंडिचर होते हैं उनके बारे में नॉलेज मिलेगी, ऑपरेशनल एफिशिएंसी का पता चलेगा, मैनेजमेंट ऑफ ऑब्जेक्टिव, हमारे जो मैनेजमेंट का जो ऑब्जेक्टिव है उसको इम्प्लीमेंट करने में हेल्पफुल रहेगा, इम्प्रूवमेंट इन कोऑर्डिनेशन, कोऑर्डिनेशन के अंदर इम्प्रूवमेंट करेगा, कोऑर्डिनेशन बना के रखेगा, मोटिवेट करेगा, इम्पैक्ट मोटिवेशनल इम्पैक्ट देगा, इट क्रिएट्स अ सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी और मोटिवेशन बिकॉज इट इंक्रीज द पार्टिसिपेशन ऑफ ऑल लेवल ऑफ मैनेजमेंट, इंक्रीज करेगा हर एक पार्टिसिपेशन ऑफ ऑल लेवल ऑफ मैनेजमेंट का। इसके बाद इसकी लिमिटेशंस क्या होंगे जीरो बेस बजटिंग की, ये भी हम लिख देंगे, जरूरी नहीं है कि इससे जो पूछा एडवांटेजेस वही हम लिखे, क्योंकि 8 मार्क्स का क्वेश्चन है, थोड़ा ही हुआ है, तो हम इसकी जो लिमिटेशन है 2-3 लिमिटेशन भी लिख देंगे कि एक्सपेंसिव मेथड है, कन्फ्लिक्ट आएगा रैंकिंग देने में, आप किस तरीके से रैंक देंगे, शॉर्ट टर्म बेनिफिट्स हमें प्रोवाइड करवाएगा।
के बाद नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन क्या है, व्हाट इज परफॉर्मेंस बस्टिंग एंड व्हाट स्टेप्स आर रिक्वायर्ड फॉर दिस सिस्टम, क्या सिस्टम्स इस सिस्टम के अंदर क्या स्टेप्स रहेंगे और परफॉर्मेंस बस्टिंग होता क्या है। परफॉर्मेंस बस्टिंग क्या होता है, परफॉर्मेंस ओरिएंटेड बजट होता है, ये एस्टेब्लिश इन सच ए मैनर दैट ईच एलोकेशन ऑफ बजट इज लिंक्ड विद द परफॉर्मेंस ऑफ स्पेसिफिक रिस्पॉन्सिबिलिटी। इसके अंदर क्या होता है, जो भी परफॉर्मेंस होती है वो किस चीज़ से लिंक होगी, स्पेसिफिक जो आपको रिस्पॉन्सिबिलिटी दी है उस चीज़ से लिंक होगी वो। इसके अंदर स्टेप्स क्या होंगे परफॉर्मेंस बस्टिंग के, पहला हमारा स्टेप क्या है, डिटरमाइन करेगा ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी सेंटर, डिटरमिनेशन ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी सेंटर, रिस्पॉन्सिबिलिटी सेंटर के अंदर डिटरमाइन करेगा क्या क्या आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल एस्टेब्लिशिंग ऑफ सच रिस्पॉन्सिबिलिटी सेंटर ऑफ एक्शन पॉइंट्स एज वेल डिफाइंड वेयर ऑपरेटिंग और परफॉर्म्ड एंड फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन्स टेक प्लेस इन टर्म्स ऑफ मनी। इसके अंदर रिस्पॉन्सिबिलिटी सेंटर डिटरमाइन करेगा कि क्या आपको कौन सा आपका रिस्पॉन्सिबिलिटी सेंटर है। उसके बाद ऑब्जेक्टिव फॉर्मुलेशन करेगा कि आपका ऑब्जेक्टिव क्या है, इवेल्युएशन ऑफ परफॉर्मेंस, परफॉर्मेंस को इवेल्युएट करके आपका इंटरप्राइजेस का जो भी ऑब्जेक्टिव होते हैं, ये टी आएगा, इंटर आई एन टी, मैंने टी के ऊपर ये लगाया नहीं है, इंटरप्राइजेस इन कंसेप्ट ऑफ स्पेसिफिक ओवरऑल जो हमारा ऑब्जेक्टिव है सेटेन परफॉर्मेंस बस्ट। इसके बाद क्या है, प्रोग्रामिंग करेगा एक्टिविटी की एंड क्लासिफिकेशन करेगा उस चीज़ के अंदर। उसके बाद जो नॉर्म्स एंड स्टैंडर्ड्स हैं उनको बताएगा इन परफॉर्मेंस बस्टिंग, इट इज़ एसेंशियल टू सेट फिजिकल टारगेट और बजटिंग इन रिस्पेक्ट ऑफ सच एक्शंस पॉइंट विच मे बी कॉल्ड एक्सपेक्टेड परफॉर्मेंस ऑफ ईच रिस्पॉन्सिबिलिटी सेंटर, मतलब जो भी हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी सेंटर है उसके अंदर जो नॉर्म्स एंड स्टैंडर्ड है उनको बताएगा, फिक्स करेगा, फोरकास्ट करेगा जो भी हमारे एक्सपेंडिचर हैं, अकाउंटिंग स्ट्रक्चर बनाएगा कि हमारा किस कैसा स्ट्रक्चर बनेगा फॉर प्रॉपर फंक्शनिंग के लिए परफॉर्मेंस के अंदर क्या करेगा, रिक्वायर्ड टू दिस कॉन्सेप्ट एंड शुड बी लिंक विद द अकाउंटिंग स्ट्रक्चर ऑल्सो, हमें लिंक करना पड़ेगा अकाउंटिंग स्ट्रक्चर के साथ। द डिसेंट्रलाइजेशन रिस्पॉन्सिबिलिटी स्ट्रक्चर एंड डेलीगेशन, डिसेंट्रलाइज करेगा रिस्पॉन्सिबिलिटी सेंटर को स्ट्रक्चर को एंड डेलीगेट करेगा परफॉर्मेंस बस्टिंग इज अ टेक्निक विच रिक्वायर्स अ मैनेजमेंट स्टाइल बेस्ड ऑन डिसेंट्रलाइजेशन रिस्पॉन्सिबिलिटी स्ट्रक्चर, स्टाइल बेस्ड होगा ये जो डिसेंट्रलाइजेशन करेगा रिस्पॉन्सिबिलिटी स्ट्रक्चर की। परफॉर्मेंस इवेल्युएट करेगा कैसे आपकी परफॉर्मेंस आई है, परफॉर्मेंस इवेल्युएट करने के बाद इसके अंदर क्या करेगा, इसके अंदर दो स्टेजेस होंगे, एस्टिमेट करेगा एक्सपेंडिचर को, बजट के अंदर कितने हमारे एक्चुअल एक्सपेंडिचर हुए हैं, कितना हमने एस्टिमेट किया था, कितना हमारा एक्चुअल एक्सपेंडिचर हुआ है, और एस्टिमेट करेगा परफॉर्मेंस टारगेट हमारी जो थी बजट के अंदर एक्चुअल परफॉर्मेंस हमारी क्या रही है, हमने एस्टिमेट क्या लगाया था और हमारी एक्चुअल रही क्या है। उसके बाद परफॉर्मेंस की रिपोर्ट देगा, परफॉर्मेंस रिपोर्टिंग इज ऑफ विचुअल इंपॉर्टेंस इन इंफॉर्मेशन बस्टिंग, इट इज सबिंग ऑफ वेरियस लेवल ऑफ मैनेजमेंट एंड कंटेनिंग वेरियस एनालाइज डिटेक्शन द कोज ऑफ इसोलेशन की फैक्टर्स एंड इंडिकेटिंग द कंट्रोल एलिमेंट्स, देखेगा कि परफॉर्मेंस जो आपने की है, परफॉर्म किया है जो काम, उसकी रिपोर्ट देगा कि आपका अच्छा रहा खराब रहा, वो सारी रिपोर्टिंग देगा। इसके बाद लास्ट यूनिट हमारी यूनिट फोर के अंदर एट क्वेश्चन हमारा क्या है, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय मार्जिनल कॉस्टिंग, मार्जिनल कॉस्टिंग क्या होती है, एंड स्टेट इज यूजफुलनेस एज अ टूल ऑफ कॉर्पोरेट डिसीजन मेकिंग, जब हम कॉर्पोरेट डिसीजन लेते हैं तो उसके अंदर ये यूजफुल रहता है। तो इसके अंदर हम क्या चीज़ें लिख सकते हैं, सबसे पहले हम इसके अंदर लिख सकते हैं मार्जिनल कॉस्टिंग होता क्या है और उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स लिख सकते हैं कि उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होंगी, भाई वो यूजफुल रहता है कॉर्पोरेट डिसीजन मेकिंग के अंदर। मार्जिनल कॉस्टिंग होता क्या है, मार्जिनल कॉस्टिंग इज अ स्पेसिफिक टेक्निक ऑफ कॉस्ट एनालाइज, कॉस्ट को एनालाइज करने के लिए स्पेसिफिक टेक्निक होती है, इन विच कॉस्ट इन्फॉर्मेशन आर प्रेजेंटेड इन सच ए मैनर सो दैट इट मे बी हेल्पफुल इन मैनेजमेंट कॉस्ट कंट्रोल एंड वेरियस मैनेजरियल डिसीजन, जो भी ये क्या हेल्प करता है, किस चीज़ के अंदर हेल्प करता है कि जो भी हमारा कॉस्ट के से रिलेटेड जो भी डिसीजन होता है मैनेज करता है, उसको कंट्रोल करेगा और वेरियस जो भी हमें मैनेजर डिसीजन लेते हैं उसके अंदर मैनेज करके देगा हमें इस तरीके से चीज़ें कि हम अपना जो डिसीजन है वो अच्छे से ले पाएं। इसके बाद कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होंगी मार्जिनल कॉस्टिंग की, डिवीजन ऑफ कॉस्ट एंड फिक्स्ड एंड वेरिएबल, जो हमारी कॉस्ट है फिक्स्ड एंड वेरिएबल उसको डिवाइड करने में हेल्प करेगा, पीरियड कॉस्ट एंड प्रोडक्ट कॉस्ट को भी, पीरियड कॉस्ट कौन से होते हैं, फिक्स्ड कॉस्ट को हम ट्रीट करेंगे पीरियड कॉस्ट के अकॉर्डिंग और इसको हम पी एंड एल के अंदर लेके आएंगे, एंड जो प्रोडक्ट कॉस्ट होती है उसको हम वेरिएबल कॉस्ट लेके आएंगे रिगार्डेड एज अ कॉस्ट ऑफ पीरियड प्रोडक्ट की जो हम कॉस्ट होती है वो। उसके बाद एवेल्युएशन करेंगे हमारा स्टॉक का, इसके अंदर हम अपने अजम्पशंस भी लिख सकते हैं मार्जिनल कॉस्टिंग के क्या होती हैं, ऑल द एलिमेंट ऑफ कॉस्ट जो भी हमारी कॉस्ट है वो सारे आएंगे इसके अंदर, मैन्युफैक्चरिंग एडमिनिस्ट्रेशन सेलिंग डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंसिव कैन बी डिवाइडेड इनटू फिक्स्ड एंड वेरिएबल, इनको सबको फिक्स्ड और वेरिएबल कॉस्ट कंपोनेंट के अंदर डिवाइड कर देगा, पर यूनिट वेरिएबल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्ट रिमेन कॉन्स्टेंट, वो कॉन्स्टेंट रहेगी हर एक लेवल ऑफ आउटपुट के अंदर, और जो पर यूनिट सेलिंग प्राइस रिमेन कॉन्स्टेंट, वो भी जो सेलिंग प्राइस होता है वो भी कॉन्स्टेंट रहेगा हर एक लेवल ऑफ ऑपरेटिंग एक्टिविटीज के अंदर, और जो हमारी टोटल कॉस्ट है वो भी
रिमेन अनचेंज रहेगी हर एक लेवल ऑफ आउटपुट के अंदर, और इन केस ऑफ प्रोडक्शन, प्रोडक्शन के केस के अंदर जो एडिशनल प्रेजेंट लेवल होते हैं ओनली मार्जिनल और वेरिएबल कॉस्ट इज इनकर्ड, इसके अंदर सिर्फ मार्जिनल और वेरिएबल कॉस्ट इनकर्ड होगी इन एडिशनल कॉस्ट, जिसको हम एडिशनल कॉस्ट बोल सकते हैं। आज की वीडियो भी बहुत ज़्यादा लंबी हो गई भाई, मेरा गला बिल्कुल जवाब दे चुका है, क्योंकि कल की वीडियो भी बहुत ज़्यादा लंबी थी और आज की वीडियो भी बहुत ज़्यादा लंबी हो गई है। इसी के साथ हमारी जो सीरीज़ है वो कंप्लीट हो गई है कॉस्ट अकाउंटिंग की, जो हमारी 15 डेज़ की सीरीज़ थी। मैंने आपको 15 डेज़ के अंदर पूरा सिलेबस, फुल पूरा सिलेबस रिवाइज और पूरे सिलेबस के अंदर से क्वेश्चन पेपर पूरा करवा दिया है। कोई भी डाउट, कोई भी क्वेरी आपको रह गई है, कोई भी टॉपिक रह गया है, तो आप मुझे कमेंट में बता सकते हैं। और आपको नेक्स्ट सीरीज़ कौन से सब्जेक्ट की चाहिए बीकॉम की, तो वो भी आप मुझे कमेंट में बता सकते हैं। मैं 1 अक्टूबर से नई सीरीज़ स्टार्ट करूँगी, तो आपके पास पूरे 15 दिन हैं। अब पूरे 15 दिन के अंदर आप सीरीज़ बता सकते हैं कि आपको कौन से सब्जेक्ट की चाहिए, तो मैं उसके अकॉर्डिंग फिर प्रिपरेशन कर लूँगी। इसके बाद अगर आपको आज की वीडियो पसंद आई तो डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।